क्लास 8। टॉपिक चल रहा है स्वर समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करने का। स्वर समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करने का टॉपिक चल रहा है अपना। उचित स्वर समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, प्रश्न पढ़ लिया हमने। उचित स्वर समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो अभी तक हमने स्वर समीकरण कौन सी कर ली, ए कर ली हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर ली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी कौन सी कर ली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी कौन सी कर ली, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन स्वर समीकरण हो गई है, तीन हमने कर लिया। बहुत प्रश्न कर लिए इसके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सोच समय कर ली। अब इसके अभ्यास आपको करना है घर पे, उदाहरण देखो किताब से, प्रश्न देखो, बुक्स लेके बैठो, उसमें प्रश्न करो उसके। तो आज जो शुरू कर रहे हैं उसको देखो कैसे करना है। एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 7, इसमें कौन सी स्वर समीकरण काम आएगी वो आपको पहचान कर उसको करनी पड़ेगी। इसमें क्या था, पहले पॉइंट में दोनों पद समान थे, चिन्ह समान थे। दूसरे में सेम कंडीशन थी, दोनों पद समान, चिन्ह समान। तीसरे में क्या था, दोनों पद समान और चिन्ह असमान। इसमें कौन सी कंडीशन लागू होती है वो आपको देखना पड़ेगा। दोनों में पहला पद क्या है, एक्स, पहला पद एक्स है, समान, पहला पद समान है। दोनों में दूसरा पद क्या है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, असमान। तो यहां पर पहला पद समान है और दूसरा पद क्या है, असमान है। दोनों में पहला पद तो समान है लेकिन दूसरा पद क्या है, दूसरा पद असमान है। पहला पद समान, दूसरा पद क्या है, असमान। पहला पद समान, दूसरा पद क्या है, असमान। पहला पद समान, दूसरा पद क्या है, असमान। चलो एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 7, जो पहला पद समान हो दूसरा पद असमान हो, स्वर समीकरण कौन सी आएगी वो समझते हैं आप। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये आएगी। जब पहला पद समान हो और दूसरा पद असमान हो, पहला पद समान हो दूसरा पद क्या हो, असमान हो, स्वर समीकरण कौन सी आएगी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी आएगी। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। याद रखना, जब पहला पद समान हो दूसरा पद असमान हो, पहला पद क्या हो समान, दूसरा पद क्या हो असमान। पहला पद समान, दूसरा पद असमान, स्वर समीकरण कौन सी काम आएगी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। कौन सी काम आएगी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। तो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। याद हो गया, ये वाला देखिए, जब दोनों पहला पद समान हो दूसरा पद असमान हो, पहला पद समान दूसरा पद असमान, स्वर समीकरण कौन सी काम आएगी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसमें ए का मान क्या है, देखो एक्स का मान तो एक्स है, इसमें एक्स का मान तो एक्स है। ए का मान क्या है, ए का मान 3 है। बी का मान क्या है, बी का मान 7 है। एक्स का मान एक्स है, ए का मान 3 है, बी का मान 7 है। एक्स का मान एक्स है, ए का मान 3 है, बी का मान क्या है, 7 है। ओके, चिन्ह समान है, अगर असमान होते तो वहाँ चिन्ह हो जाता। ठीक है, हो गया। अब एक्स स्क्वायर,
एक्स का मान एक्स ही है, एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी एक्स, ए का मान 3, बी का मान 7, एक्स का एक्स। ए बी, ए का मान 3, बी का मान 7, हो गया। जोड़ लो इसको, एक्स स्क्वायर 7 और 3 10, 10 इंटू एक्स 7 या 21। यहाँ गुणा कर ली, यहाँ जोड़ लिया, यहाँ गुणा कर ली, यहाँ जोड़ लिया, एक्स बाकी है 10 इंटू एक्स, ब्रैकेट के बाहर कुछ ही नहीं, इंटू कैसे मानेंगे 10 इंटू एक्स। अब गुणा कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ये इसका क्या आ गया आंसर है। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, चार एक्स प्लस एक। पहला पद दोनों में क्या है, दोनों पहला पद 4x है, समान है। दोनों पहला पद क्या है, दोनों पहला पद 4x समान है। दूसरा पद, यहाँ 5 यहाँ 1, ये कैसा हो गया असमान। पहला पद समान और दूसरा पद असमान, पहला पद समान दूसरा पद क्या है असमान, पहला पद समान हो दूसरा पद असमान हो, क्या करोगे देखो, 4x प्लस 5 4x प्लस 1, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जब पहला पद समान हो दूसरा पद असमान हो, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का उत्तर क्या आता है हल करने पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस एक्स प्लस बी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसमें एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 4x है, इस बार एक्स का मान 4x है। ए का मान क्या है, ए का मान 5 है, बी का मान क्या है, बी का मान 1 है। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है 4x, 4x का स्क्वायर। ए प्लस बी, ए का मान 5 बी का मान 1 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है 4x। ए बी, ए का मान क्या है 5 बी का मान क्या है 1। चलो तो 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 कर लो, कितना हो गया 16 हो गया। एक्स का स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर हो गया, 5 में जोड़ो 1 6 इंटू क्या पड़ा है 4x। अब यहाँ गुणा करनी, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ गुणा कर लो 5 एकम 5। अब यहाँ गुणा बाकी रहेगी, खाली 6 को 4 से गुणा कर लो, 6 चौक 24, 16x² + 24x + 5, ये इसका आंसर आ गया। आया समझ में? प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। (2x + 3) और (2x + 4) चल नहीं रहा है पेन, थोड़ा चेंज करते हैं। 2x + 3 और 2x + 4, 2x + 3 2x + 4। देखो पहला पद कैसा है, पहला पद दोनों में 2x है, पहला पद कैसा है समान है। अब देखो दूसरा पद कैसा है, दूसरा पद यहाँ 3 और यहाँ 4 है, देखो यहाँ हो गया ये असमान पद। तो पहला पद क्या हो गया समान, दूसरा पद क्या हो गया असमान, पहला पद समान दूसरा पद क्या है असमान, पहला पद समान हो दूसरा पद असमान हो। सरस समीका कौन सी काम आएगी वो देख लो आपस फिर से, 2x + 3 2x + 4
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी पहला पद समान दूसरा पद असमान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी तो x का मान क्या आया x का मान 2x आया a का मान क्या आया a का मान 3 आया b का मान क्या आया b का मान 4 आया x का मान 2x आया a का मान 3 आया b का मान 4 आया तो क्या हल करना है x स्क्वायर x का मान 2x 2x का स्क्वायर a का मान 3 b का मान 4 इंटू एक्स एक्स का मान 2x ए बी ए का मान 3 बी का मान 4 स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर हो गया 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ लो 4 इंटू 3 7 7 इंटू 2x प्लस 4 किया 12 गुणा करो 7 गुनी 14 चार एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12 ये इसका आंसर आ गया। तो सरल समीकरण कौन सी लगानी है वो आपको सवाल पे डिपेंड करता है, आपको सवाल को ध्यान से देखना पड़ेगा। सवाल देखने के बाद पता चलेगा आपको सरल समीकरण कौन सी लगानी है। जैसे अपने पहला पद दोनों पद समान थे, चिन्ह भी समान था, तो क्या लिया मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिया बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरे समीकरण सेम थी सर, पहला पद समान दूसरा पद समान था, क्या किया a माइनस बी का स्क्वायर कर लिया। इसी प्रकार आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं कल करेंगे। धन्यवाद।